अ वेरी गुड आफ्टरनून. लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स के अंडर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा था, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा था, और मेंडल ने किन कैरेक्टर्स पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था. रेज योर हैंड एंड आंसर, रेज योर हैंड एंड आंसर, जस्ट टू हैंड्स, थ्री, अच्छे से हाथ उठाए करो, कॉन्फिडेंटली बोलिए. प्लांट हाइट, फ्लावर नहीं, मोनोहाइब्रिड. वन जीन इनहेरिटेंस किस पे स्टडी किया था, कौन से कैरेक्टर पर? प्लांट हाइट और फ्लावर कलर. मैं वन जीन इनहेरिटेंस की बात कर रही हूं. वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ा है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कौन से कैरेक्टर्स पर किया था? सारे कैरेक्टर्स पे किया था. सबसे पहले टॉल एंड डॉर्फ पे किया था स्टार्ट, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वो सेम एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म्ड ऑन ऑल द सेवन कैरेक्टर्स विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एंड ही गॉट द सेम रिजल्ट्स. तब फिर उन्होंने जाकर अपना पॉस्टुलेट दिया था. हमने बात की थी कि मेंडल ने तीन पॉस्टुलेट्स दिए थे फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस. कौन कौन सा था? यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन. इनसे कितने लॉज बनाए गए? दो. कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें से कौन सा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कभी भी वो एक्सेप्शन नहीं होता है उसका. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दूसरे नाम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स. फिर हमने स्टार्ट किया था डोमिनेंस के एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के. हमने क्या क्या पढ़ा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस. हालांकि मैं आपसे पूछ चुकी हूं, एक बार वापस से को डोमिनेंस का कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो. सिकल सेल करियर, ए बी ब्लड ग्रुप, एनमेन ब्लड ग्रुप और हॉर्न कैटल्स का स्किन कलर, शॉर्ट हॉर्न कैटल्स का. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तीन एग्जाम्पल्स मिराबिलिस जलापा. एनसीईआरटी में कौन सा दिया है? एंटी राइनम और तीसरा एंड्यूलेसियन फाउल्स. चलो, अब हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट क्लास में, गैमीट्स बनाने का तरीका. मैं यहां पर आपको दो पेरेंट्स दे रही हूं और इनका क्रॉस करवाना है आपको, और मुझे बताना है कि इनमें कितने तरह के गैमीट्स पॉसिबल हैं. आई एम गिविंग यू वन, आधा मिनट का टाइम, सॉल्व करो. चलिए, आंसर्स निकल गए. आंसर्स बोलिए. 16. कोई और आंसर है? हाथ उठाओ, बोलो. आया है तो भी बोलिए, गलत है होगा तो कोई बात नहीं है. 16. चलो देखते हैं. पहले तो इसका क्रॉस बताइए, क्रॉस क्या बनेगा? हाँ, वो तो ए ही तो है सब. चलो, ये क्रॉस है. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1, 2, 3, 4. तो 2, 2 जा 4. तो 2, 4 जा 8, 2 जा 16. परफेक्ट, 16 टाइप के गैमीट्स हैं. चलो, ये तो पढ़कर आए हो. अब हम एक और आज बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे वन जीन इनहेरिटेंस के अंडर ही, जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा पार्ट उसका कवर्ड है और खूब धड़ल्ले से उस पर क्वेश्चन आते हैं. यहां ध्यान से देखिएगा, और वो है प्लियोट्रॉपी. जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लियोट्रॉपिक जीन. अब समझिएगा, अभी तक हमने ये समझा कि वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी वन जीन का जो डीएनए है. अब जो आज नए आए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, जिनकी क्लास में सोइए, कोशिश करना समझने की. वन जीन, जीन मतलब डीएनए, उसके पास किसी वन कैरेक्टर को, एक्सक्यूज मी, इसको बंद कर देना धीरज, नहीं सॉरी, इसको बंद कर देना दीपक, दीपक ना है, जहांगीर. आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग नेम, सॉरी, बट आई कीप अपोलोजाइजिंग टू पीपल एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कॉल पीपल बाय नेम. मेरे को पसंद बहुत है पर मैं भूलती हूँ. चलो, अभी तक हमने समझा कि एक जीन से एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है. कभी कभी एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. मतलब हो सकता है इस जीन का इफेक्ट आई कलर पे भी आए, हाइट पे भी आए, फ्लावर के कलर पे आए, फ्लावर के शेप पर आए, फ्लावर की पोजीशन पर आए. अगर वन जीन से मल्टीपल कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं. हम आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि वन कैरेक्टर अगर मल्टीपल जीन्स से कंट्रोल होता है तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं. पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पर यहां वन जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर कैरेक्टर का मतलब कुछ ना कुछ प्रोटीन बन रहा है.
कैरेक्टर का मतलब प्रोटीन होगा तभी तो वो एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे हाइट है तो हार्मोन बन रहा होगा, आई कलर है तो पिगमेंट बन रहा होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक जीन से अलग अलग कैरेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हों? एक्चुअली ये इसलिए पॉसिबल है, मान लीजिए कि ये हाइट है, मान लो हाइट को बनाने में कोई एक्स हार्मोन चाहिए और उस एक्स हार्मोन के बनने में बीच में कहीं पर कोई एक वाई नाम का सब्सटेंस भी बनता है। ऐसे ही मान लो ये सेकेंड कैरेक्टर है सीड के शेप का, मान लो सीड के शेप के लिए कोई हार्मोन चाहिए जेड, पर उसके बनने में भी ये वाई बनता है। तो इन दोनों के जो मेटाबॉलिज्म है, चाहे हाइट बढ़ानी है चाहे सीड को राउंड करना है, दोनों में ये वाई बन रहा है। और ये वाई जो जीन बना रहा होगा उसका इफेक्ट इन दोनों कैरेक्टर्स पर आएगा, इसे प्लियोट्रॉपिक जीन बोल देंगे। तो प्लियोट्रॉपिक क्यों पॉसिबल है? कहीं ना कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिज्म है, उनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा, और वो कॉमन पॉइंट जो जीन बना रहा होगा वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। ये उसका बेसिक लॉजिक है। लॉजिक नहीं समझ में आए तो इतना याद रख लेना, वन जीन कंट्रोलिंग मेनी कैरेक्टर इज प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन इज पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम यहां पर देखते हैं, फिर जो मुझे आपको समझाना है उस एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट टू क्लासेस में, मैं हटाती हूं। कोई बताएगा मेंडल के कैरेक्टर्स, हाथ उठा के जब तक स्लाइड स्लिप कर रही हूं, कितने क्रोमोसोम्स पर हैं? कहां तुमने डायरेक्ट बोल दिया, हाथ उठा के बोला है, बोलो। 1 4 5 7, चलो सेवेंथ क्रोमोसोम पर कितने कैरेक्टर्स हैं? हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, मैंने ट्रिक से याद करवाया था, बोलो। नहीं, तुम्हारे पीछे, सतीश के पीछे, सेवेंथ कैरेक्टर, सेवेंथ पर एक ही है क्योंकि ट्रिक क्या थी, 41 71 454। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम आते हैं प्लियोट्रॉपी पे। ये रहा, जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल जो कॉटन का प्लांट है, उसमें एक जीन है जो उसके फाइबर्स की लेंथ कितनी होगी, कॉटन बॉल का साइज कितना होगा, उसके सीड्स की क्या वायबिलिटी है, कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, प्लांट की हाइट कितनी होगी, उसमें ओव्यूल्स कितने बनेंगे, इन सबको एक ही जीन कंट्रोल करता है। भूल जाओगे तो चलेगा, जिसको पूरे 360 आउट ऑफ 360 नहीं चाहिए वो भूल जाएगा तो चलेगा। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी में दिया है तो ये नहीं भूल सकते आप। ह्यूमंस में एक डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वो जो जीन है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया तो कॉज करता ही है, और साथ में मेंटल रिटार्डेशन, हेयर और स्किन में डीपिगमेंटेशन भी करता है। ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसमें एक जीन है जो उसकी आंख का कलर व्हाइट कर देता है, इसे व्हाइट आई म्यूटेशन बोलते हैं, और आंख का कलर उड़ा देगा, रेड नहीं होने देगा, व्हाइट हम पढ़ेंगे डिटेल में। वही जीन जो है वो उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी डीपिगमेंटेशन कर देता है। यही नहीं, जो बैलेंसर्स हैं उसके, फ्लाई है वो, तो बैलेंसर्स जो हैं उनको भी वो यही कंट्रोल करता है, उसकी जिंदगी कितनी होगी यही कंट्रोल करता है, उसकी फर्टिलिटी कितनी होगी वो भी ये कंट्रोल करता है। सब भूल जाओ तो ये दो बातें याद होनी चाहिए, ये भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि ह्यूमन में एक जीन है जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, यानी दो अल्फा दो बीटा चेन्स कैसे बनेंगी। अगर उस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो हम जानते हैं वो बीटा चेन फॉल्टी बनती है। थैलेसीमिया की हम बात कर रहे हैं, सॉरी सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, जिसमें बीटा चेन में ग्लूटामिन वैलिन का रिप्लेसमेंट होता है। तो वो जीन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल कर रहा है, उसके कारण से, उसी जीन के कारण से आरबीसी का शेप चेंज होगा। और हम पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन चैप्टर में कि अगर सिकल सेल्ड आरबीसी है तो ऐसों में प्लाज्मोडियम नहीं घुस सकता, यानी मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस भी उस इंसान को वही जीन दे रहा है। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, वो अब मैं यहां पर पढ़ा रही हूं। मटर, वही एडेबल गार्डन मटर जो पाइसम सटाइवम है, उसी में एक जीन है, बीच में मत बोलिए, जिसे आता है अपनी भावनाओं को, खुशी को अंदर रखिए। एक जीन है कैपिटल बी, ये जीन है, ठीक है। ये जीन क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये इसमें स्टार्च का सिंथेसिस करवाता है और उसके ग्रेन्स बनेंगे, यानी स्टार्च ग्रेन जो है उसका साइज कंट्रोल करेगा। अगर ज्यादा स्टार्च बनेगा तो ग्रेन बड़ा बनेगा, अगर कम स्टार्च बनेगा तो ग्रेन छोटा बनेगा।
अगर ये एंजाइम, अगर ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में है या ये ऐसी कंडीशन में है, यानी डोमिनेंट कंडीशन में है, तो ये बहुत सारा स्टार्च बनाएगा. एक्चुअली ये क्या करता है, ये जीन है. जीन से मतलब डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा. ये प्रोटीन एक एंजाइम होता है जिसे स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम कहते हैं. और जब प्लांट मटर के पेड़ में फोटोसिंथेसिस से शुगर बनेगी, तो उस शुगर को स्टार्च में ये एंजाइम कन्वर्ट करता जाता है. तो जितना डोमिनेंट जीन, उतना ज्यादा ये एंजाइम, उतना ज्यादा शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगा, उतने बड़े बड़े साइज के स्टार्च के ग्रेन्स बनेंगे. तो कैसे ग्रेन्स बने? लार्ज साइज के. पर अगर ये जीन होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है, तो नेचुरली ये वाला एंजाइम या तो बनेगा ही नहीं या बहुत कम बनेगा. और जब ये कम बनेगा तो कम शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगी, तो जो ग्रेन का साइज है वो नेचुरली कैसा हो जाएगा? छोटा सा हो जाएगा. ठीक है. अब स्टार्च किसमें भरा हुआ है? उसके मटर के दाने में, सीड्स में. तो जितना ज्यादा स्टार्च होगा, उतना वो मटर का दाना फूलेगा, यानी एकदम राउंड गोल होगा. तो सीड कैसी होगी? राउंड, राउंड सीड होगी. पर अगर स्टार्च ही कम है तो वो मटर का दाना कैसा रहेगा? ऐसा, यानी रिंकल्ड सीड होगी. तो इसको रटने की जरूरत नहीं है. अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में, चाहे होमोजाइगस चाहे हेटरोजाइगस, खूब सारा स्टार्च बनेगा, सीड गोल होगी. कम बनेगा, छोटा दाना ग्रेन होगा और सीड रिंकल्ड बनेगी. अब इसका जब क्रॉस करवाया गया, हम प्योर पेरेंट्स लेते हैं, हम ये वाली सिचुएशन को मानते हैं, होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग को, तो ये एफ वन जनरेशन मिलेगी. जब ये एफ वन को स्टडी करा साइंटिस्ट ने, तो इनकी सीड्स मिली राउंड. आप कहोगे मिलना भी चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ये दादागिरी दिखाएगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, राउंड सीड बनाएगा. अगर हम मेंडल के लॉ को फॉलो करने की बात करें, तो यहां पर स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेंडल लॉ के लार्ज. लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स थे इन दोनों के बीच के. फिर उन्होंने क्या किया, इसकी सेल्फिंग कराई, मतलब एक और ऐसे पेड़ से. हम बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में सेल्फिंग समझ चुके हैं. कितने टाइप के गैमिट्स बनेंगे यहां, कितने हेटरोजाइगस पेयर है, 1 2 to the power 1, यानी 2 टाइप के, कैपिटल बी स्मॉल बी. यहां भी क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी. F2 में क्या होगा? कैपिटल बी एक, स्मॉल बी एक, और 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, 1:2:1 हमने पढ़ा है. मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये राउंड एंड लार्ज ग्रेन, ये भी राउंड एंड लार्ज ग्रेन, ये स्मॉल साइज ग्रेन एंड रिंकल्ड सीड, ये होना चाहिए 3:1 फिनोटिपिक. बट उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, और ये फिर से सीड तो राउंड है लेकिन इंटरमीडिएट साइज है. यानी कि अगर हम सिर्फ सीड के शेप की बात करें, तो ये जीन मेंडल के लॉ को फॉलो करता है. सिर्फ अगर हम सीड के शेप की बात करें, क्योंकि हेटरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाला ट्रेट आ रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है. लेकिन अगर हम ग्रेन के साइज की बात करें, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है. ये कौन सा डोमिनेंस है? रेड व्हाइट और पिंक कलर जैसा, दोनों का बीच का, बिल्कुल वैसा ही है, ज्यादा बड़ा छोटा उसके बीच का. तो अगर हम साइज की बात करें, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो जीन है गार्डन पी में, ये प्लियोट्रॉपी जीन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, ये मेंडेलियन लॉ का एक्सेप्शन भी हो जाएगा. इतना समझ में आया? इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये इस पर एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, तो हर कैरेक्टर के लिए यही रिश्ता होगा. कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि क्या रिलेशन है. यानी जीन प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंस है ही डोमिनेंस का, ये ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो ये डोमिनेंट है, ये कम प्रोडक्ट बना रहा है तो ये रेसेसिव है. लेकिन आप कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, उससे भी डिफरेंस आ जाएगा. ये कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे तो इनके बीच क्या रिश्ता था?
ये दादागिरी करता था, ये बेचारा रेसेसिव था, लेकिन जब इस कैरेक्टर को स्टडी करते हो तो इनके बीच का रिश्ता बदल गया। अब ये दोनों, ये डोमिनेट है लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस है जो मैंने यहां पे लिख रखी हैं। आपको मैं यहां एक्सप्लेन कर चुकी हूं, इसीलिए स्लाइड को मैं स्किप कर रही हूं। बस इतना समझ लीजिए कि डोमिनेंस जो है वो कोई जीन की दादागिरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि वो उस जीन के कौन से कैरेक्टर की अपन बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करता है, पर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर फिनोटाइप आप स्टडी कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उनका रिश्ता क्या है। आज घर जाकर इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, कोडोमिनेंस के बाद ये पैराग्राफ वहां पे दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो जीन है ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्रेन साइज के मामले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मेंडेलियन लॉ का फेलियर हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। और सीड के शेप के मामले में मेंडेलियन लॉ को फॉलो करने का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट फोर्थ एक्सेप्शन पर आ रहे हैं मेंडल के, जो एनसीईआरटी में दिया है, और वो है मल्टीपल एलिलिज्म। हमने अभी तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, कोडोमिनेंस देखा और प्लियोट्रॉपी देखी। मेंडल ने यह कहा था कि वन जीन के यानी वन फैक्टर के दो ट्रेड्स हैं, यानी दो अलील्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग, यानी हर कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होगा, और इसका मतलब हर कैरेक्टर के लिए दो अलील्स होंगे। तभी तो उन्होंने कहा था जोड़े में रहते हैं, पेयर्ड फैक्टर्स वाला जो उन्होंने पॉस्टुलेट दिया था। इसमें देखिए क्या होता है, कल भी आपको हल्का सा आइडिया दिया था, हमारा ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो मैंने अच्छे से समझाया था, उसका जीन होता है कैपिटल आई, ये उसका जीन है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये जीन जो है ये तीन फॉर्म्स में रहता है, ये या ये, या इसको ऐसे भी लिखा था कल अपन ने, कोडोमिनेंस में हल्का सा आइडिया दिया था आपको। और मैंने आपको समझाया था कि अगर इसका प्रभाव रहेगा तो एक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन, एक टाइप की शुगर बनेगी आरबीसी के सरफेस पर, अगर याद आ रहा हो, इससे दूसरे टाइप की बनेगी और इससे कोई भी नहीं बनेगी। हमने ये भी समझा था कि अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ए शुगर भी बनेगी, बी शुगर भी बनेगी, और इसे हमने कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ा था, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस में जो कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप का वो कितने अलील्स कंट्रोल कर रहे हैं, 1, 2, 3, इस जीन के 3 अलील्स हैं। पर मेंडल ने तो ये कहा था कि वन जीन के 2 ही अलील्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, डॉर्फ टॉल, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, पर यहां तो ए बी ओ 3 हो गए, यानी वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 अलील्स, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला का जो आई कलर है उसे 15 अलील्स मिलकर कंट्रोल करते हैं, 15 अलील्स दे कंट्रोल इट, बट हमारा ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है उसे कितने अलील्स कंट्रोल करते हैं, 3। इतना समझ में आया। अब मैं आपसे ये पूछती हूं कि मान लीजिए किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप अपने को चेक करना है, मान लो अपने को सुनील का ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो सुनील के ब्लड ग्रुप में क्या ये तीनों अलील्स मिल सकते हैं? सुनील जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी वन क्रोमोसोम फादर से आया है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 है जिस पर ये जीन होता है ब्लड ग्रुप का, एक क्रोमोसोम इसका पापा से आएगा, एक क्रोमोसोम इसका मम्मी से आएगा। तो मान लो या तो पापा और मम्मी दोनों से ये आ गया, पहली सिचुएशन, या पापा से ये और मम्मी से ये आ गया, या दोनों के अंदर बी हो सकता है, क्रोमोसोम तो दो ही आ रहे हैं ना इसके पास, या ये हो सकता है, या एक पेरेंट से ये, एक पेरेंट से ये आ गया, या दोनों पेरेंट से ये आया। पर सुनील के अंदर इस कैरेक्टर के कितने अलील्स आएंगे, 2 ही आएंगे। तो एक इंसान में, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मल्टीपल एलिलिज्म को स्टडी कर सकते हो? नहीं, ये बात ध्यान रखना, एक पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। हो सकता है इसके पास ये मिले, और हो सकता है लेट से सतीश के पास में ये मिले, और हो सकता है आंचल के पास में ये मिले, तो हमें पता चल जाएगा बी भी है, ए भी है, ओ भी है। इस पॉपुलेशन में 3 अलील्स हैं जो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं। तो मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल में नहीं। इंडिविजुअल के पास तो 2 ही अलील्स होंगे, उस पॉपुलेशन में 3 अलील्स घूम रहे हैं ब्लड ग्रुप वाले जीन के। इतना समझ में आया। अब यहां पर ये अगर है
तो कौन सी शुगर्स बनेंगी? तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। यहां पे कैसे कह सकते हो? ओ भी तो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन डोमिनेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ए जो है वो ओ के ऊपर डोमिनेंट है, ऐसा लिख देती हूं मैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसके ऊपर डोमिनेंट है, इसीलिए ये अपनी दादागिरी दिखाएगा और अपनी ए बना लेगा। यहां पे क्या होगा? यहां तो कोई डोमिनेंस का चक्कर ही नहीं है। अब यहां भी डिपेंड करता है कौन किस पर दादागिरी दिखाता है। तो जो बी है वो भी आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो वो अपनी बी चेन्स बनवा देगा। नाउ ओ ओ अगर है तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो ओ ब्लड ग्रुप, यानी कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं मिलेगा, नो एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप। अगर ये है, अगर ये इस पे दादागिरी दिखाता तो ए, ये दिखाता तो बी, पर ये दोनों क्या होते हैं? कोडोमिनेंट, तो ए भी बनेगी बी भी बनेगा। तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आए ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो कोडोमिनेंस। अगर क्वेश्चन आए ए बी ओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस ऑल्सो, क्योंकि ए बी ओ के अंदर ए बी तो ऑटोमेटिक आ गया। तो ए और बी आपस में कोडोमिनेंट है, पर ये दोनों अगर ओ पर आएंगे तो दादागिरी दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड खूब सारे ढेरों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं पहले अपन, ये हम पढ़ चुके हैं कोडोमिनेंस। अच्छा एक बार फटाफट से ये बता दीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, और कोडोमिनेंस में जीनोटिपिक 1:2, और किस किस क्रॉस में अभी तक सेम जीनोटिपिक फिनोटिपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस में। चलो मल्टीपल एलिलिज्म मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ अलील ऑफ अ जीन, लेकिन एक इंडिविजुअल में दो ही अलील्स आएंगे, पॉपुलेशन में आपको मोर नंबर ऑफ अलील्स दिखेंगे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप 3 अलील से कंट्रोल होता है। यहां देखिए ये पूछते हैं रैबिट का, खरगोश का जो कोट कलर है वो 4 अलील से होता है, और ड्रोसोफिला का आई कलर 15 अलील से होता है। यहां पे आपको डिटेल्स रैबिट की नहीं पढ़नी है, सिर्फ ह्यूमन की पढ़नी है, सिर्फ ह्यूमन की हम बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ इसमें से इस पॉपुलेशन के अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं? 4, ए बी ए बी और ओ, यानी फिनोटाइप्स अगर कोई पूछे बाहर से देखने पे तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स है? 4। लेकिन जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जीनोटाइप्स हो गए 6। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमको रटा होना चाहिए। फॉर्मूला यह है कि अगर एन है नंबर ऑफ अलील्स, क्योंकि हमें पता है या हम बात कर रहे हैं कि 2 से ज्यादा अलील उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो फिनोटाइप होता है एन प्लस 1, 3+1। हमारे में 3 अलील्स हैं ब्लड ग्रुप के, तो फिनोटाइप्स 4 हो गए। ड्रोसोफिला में 15 अलील्स हैं, तो कितने टाइप के आई कलर हो सकते हैं? 16, 15+1, 16। रैबिट में 4 अलील्स कंट्रोल करते हैं, तो कितने टाइप के कलर्स हो सकते हैं? 5 टाइप के। जीनोटाइप का फॉर्मूला है एन एन प्लस 1/2। यहां पे इसको फिट करते हैं, कितने एन कितना होगा इस केस में? 3, तो 3, 3+1/2, 3, 4 = 12, 6। तो आपको नंबर ऑफ अलील्स दे देंगे और आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछेंगे, तो ये फॉर्मूले से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। इतना समझ में आया? चलो ये हम बात कर चुके हैं, ये सब देख चुके हैं, ये एनसीईआरटी की टेबल है। ध्यान रखना ए डोमिनेंट है बी डोमिनेंट है, किसके ऊपर? ओ के ऊपर, पर आपस में क्या है? को डोमिनेंट है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमने यहां पर निकाल लिए हैं। नाउ इसके बाद ये खत्म होता है अपना, एक सेकेंड, एक टेबल, ये रहा वो टेबल। यहां देखिए अलील फ्रॉम वन पेरेंट ए ए ए बी 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 आई, ये दे रखा है, दूसरे पेरेंट से ये आया, कॉम्बो देखो क्या बने, जीनोटाइप क्या बनेगा? ए ए, यहां पे ए बी, यहां पे ए ओ, यहां पे ए बी, यहां बी बी, यहां बी ओ ओ ओ। लेकिन फिनोटाइप्स ये भी ए है ये भी ए है, ये भी बी है ये भी बी है, ये ओ है और ये ए बी है। तो 4 टाइप के फिनोटाइप्स और 6 टाइप्स के जीनोटाइप्स, ये टेबल हमको फिल करना आना चाहिए, एनसीईआरटी की टेबल है। अब मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूं, फटाफट से शॉर्ट में मुझे आंसर देके बताइएगा। देखो पहला क्वेश्चन, राम एक लड़का है, ठीक है,
इसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। और राम की बहन कौन है? नहीं, लेट्स से सोनम, राम कपूर, सोनम कपूर, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करिए। आंसर्स निकाले सबने? चलो बहुत बढ़िया, बताइए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। राम है ओ, ओ मतलब हमेशा ये होगा, और सिस्टर है इसकी ए बी, मतलब यही होगा, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसके लिए, इसके पास एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। सपोज यहां फादर लिख देते हैं या मदर लिख देते हैं, तो कोई भी एक, सपोज ये इधर से आया और ये इधर से आया, इसके पास ए बी है, तो एक एक पेरेंट से आया होगा और एक दूसरे पेरेंट से आया होगा। मतलब मदर और फादर क्या है? ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप। क्या आप ये बता सकते हो कि इनमें से मदर कौन सी और फादर कौन से हैं? नहीं, इस क्वेश्चन में हम वो नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वन ऑफ द पेरेंट ए ब्लड ग्रुप का है और वन ऑफ द पेरेंट बी ब्लड ग्रुप का है, और हो सकता है वो आपसे फिनोटाइप ना पूछ के पेरेंट्स का जीनोटाइप पूछ लेते, तो आंसर क्या होता? आई ए आई ओ और आई बी आई ओ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ ही लिख लीजिएगा। सपोज करिए कि फादर जो है वो ए है, नहीं एक सेकेंड रुको, चेंज करती हूं, मैं लिख के लाई हूं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो यहां क्वेश्चन बनाने में। फादर सपोज ए है और मदर मान लीजिए ए बी है, और चाइल्ड जो है वो लेट्स से बी है, और आपको पेरेंट्स का जीनोटाइप पता करना है, पेरेंट्स का जीनोटाइप सॉल्व करो। चलो आगे आंसर आया, देखते हैं। मदर तो पता है अपने को, यही हो सकता है कॉम्बिनेशन, और कुछ हो ही नहीं सकता। चाइल्ड क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता रही हूं, और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब अगर ये चाइल्ड होता तो मदर से एक तो आएगा, तो बी तो आ जाता, चलो माना मदर से। फादर क्या दिए हुए हैं? ए, मतलब फादर ये भी हो सकते हैं और फादर ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये ऐसा है तो एक बी तो यहां से आ गया, पर यहां तो कोई बी ही नहीं है, तो ये चाइल्ड ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इसकी बात करें तो ये तो मदर से आ गया, अगर ये फादर होंगे तो ओ आ ही नहीं सकता, तो यानी जरूर फादर ये होंगे, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये हो गया मदर का और ये हो गया फादर का, ये आंसर हो गया, और इस चाइल्ड का ये वाला ही जरूर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, अगर इनके और बच्चे हुए तो उनके पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, और बच्चों के क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे नहीं, आंसर्स कॉपी पे निकालिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पेरेंट्स का मालूम है, ये और ये मदर और फादर का है, तो ए ब्लड ग्रुप, ये भी ए, इन दोनों के ए हैं, ये ए बी और ये बी, यानी ए ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चों का, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग में पॉसिबल नहीं है, तो वो आंसर ओ हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल एलेलिज्म।